नमस्कार, NH1 न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हम आपको लेकर आए हैं कटरा माता वैष्णो देवी के बेस कैंप पर, और इस समय हम हैं कटरा माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पे, और यहां पर हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रोटोकॉल का फॉलो किया जा रहा है। देश भर में जिस तरीके से अब कोरोना के केसेस अब दोबारा बढ़ रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएँ हैं और यात्री के लिए किस तरीके से प्रोटोकॉल रहेगा, उस पर आज हम यहाँ का जायज़ा लेंगे। और जो यात्री यहां से दर्शन करके जा रहे हैं और जो आ रहे हैं, उनका इस पे क्या कहना है। इस समय हम कटरा के रेलवे स्टेशन पर हैं और अभी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो यहां पर आई है, और आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में लोग इस समय दर्शनों के लिए कटरा में आए हैं। और ये सभी लोग जो हैं कोविड-19 प्रोटोकॉल का फॉलो करने के बाद ही दर्शन कर पाएंगे। इस समय ये लोग जो हैं लाइनों में लगे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों का पहले टेस्ट होगा, उसके बाद ही ये लोग जो हैं वो माता के जो दरबार में हैं वो जा सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इनको सोशल डिस्टेंसिंग में रखे और लाइन में सब लोग जाके अपना टेस्ट कराएँ। मगर अभी आप देख रहे हैं कटरा में बहुत भारी रश है, जो लोग दर्शनों के लिए इस समय आए हैं। वीकेंड्स का टाइम है, वीकेंड्स में कटरा में वैसे भी बहुत ज़्यादा रश रहता है देश भर में। तो कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसके बाद अथॉरिटीज़ ने भी काफ़ी सख्ती कर ली है, और इस समय जो आप देख रहे हैं ये सभी लोग जो हैं पहले कोविड-19 प्रोटोकॉल की जो है एडवाइजरी है वो भी हम आपको दिखा दें, उसके बाद ही ये लोग जो हैं वो दर्शन कर पाएंगे। इस समय आप जो लाइनें देख रहे हैं, ये कुछ लोग जो हैं इनका टेस्ट ऑलरेडी जो है हो गया हुआ है, और ये लोग अब जो हैं अपनी फॉर्मेलिटीज जो है यहाँ दिखा रहे हैं, उस कागज़ चेक हो रहे हैं, उसके बाद ही इन्हें जो है माता वैष्णो देवी भवन में जो है दर्शन करने की इजाज़त मिलेगी। उसके साथ आप देख रहे हैं एक और लाइन, यहाँ पर उन लोगों की लाइन है जिन लोगों के टेस्ट नहीं हुए हैं, वो लोग अभी लाइनों में लगेंगे, अपने टेस्ट कराएंगे। सर आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं सर। तो आपका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है? जी, हम करवा के आए हैं घर से। तो आपको किसी तरीके का यहाँ पे कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो ऐसा सच कुछ भी नहीं हुआ है, बट हम लोग मैंने यूट्यूब पे पहले ही चेक कर लिया था कि थोड़ा वेटिंग है, तो इसलिए मैं वहीं दिल्ली से ही करवा के आया था। आज वीकेंड है, वीकेंड में माता वैष्णो देवी भवन में काफ़ी रश रहता है, तो क्या आपको लगता है कि सुविधाएँ ठीक हैं? हाँ, अभी तक तो ऐसा बहुत अच्छी है सुविधाएं, बाकी ऊपर जाके देखते हैं कैसी चल रही है कैसी नहीं। जी मैम, क्या नाम है आपका? अंजू कुलियानी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। तो आप लोग ऑलरेडी टेस्ट करा कर रहे हैं आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग जो है ऑलरेडी से अवेयर थे कि यहाँ? यस यस, हम लोग एवरी मंथ आते हैं। अच्छा, यस। मैम आपका क्या नाम है? उमा वाधवा। आपने भी टेस्ट कराया? हाँ जी। तो काफ़ी लोग हैं जो टेस्ट करा कर आए हैं, मगर बहुत बड़ी लंबी लाइन है उन लोगों की भी जो लोग अभी टेस्ट नहीं कराए हैं, और उनके लिए अलग सुविधा यहाँ पर रखी गई है, अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कटरा में रश कम हो गया है, मगर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुछ और बताती हैं। वीकेंड्स चल रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं माता के दर्शन करने के लिए, मगर प्रोटोकॉल तो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके की जो है पूरी व्यवस्था की गई है सैंपल कलेक्ट करने की। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, और इन्हें पूरे मेडिकल टीम जो है यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर पूरा मैनेज किया जा रहा है। अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा PPE किट्स वगैरह डालकर लोगों की जो है सैंपलिंग कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर पूरी लंबी लाइन है, हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बलवान सिंह है। तो बलवान सिंह जी, सर आप बताइए इस समय काफ़ी ज़्यादा रश है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? सर यहाँ पे 5-6 काउंटर हमारे जो हैं वो चल रहे हैं, और 5-5 करके विद सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों को लाते हैं, उनका नाम नोट किया जाता है, उसके बाद उनका टेस्ट होता है, फिर आगे जा करके एक फिर से लाइन लगाई जाती है, यहाँ पे उनको रिपोर्ट जो पॉजिटिव नेगेटिव आई होती है वो दी जाती है, और जो पॉजिटिव आता है उसको यहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता है,
उसके बाद फिर आगे की जो प्रोसेस है वो हमारे साहब बैठे हुए हैं वो देखते हैं। तो आपको, आप क्या लोगों को मैसेज ये देना चाहेंगे कि जो लोग भी दर्शनों के लिए आए हैं वो पहले से अगर टेस्ट अपना करा के लाएं तो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग पहले दर्शन के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोटोकॉल है श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे शायद, कि जो भी आ रहा है वो पहले ही अपनी जो है कोविड का टेस्ट करवा के आए, और जिसका नहीं हुआ होता है उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, जिसका हो गया होता है तो उसको हम वहाँ बाहर से ही बाहर भेज देते हैं। तो कितनी तादाद है इस समय जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, हफ्ते में कितने लोग आ जाते होंगे? सर एवरेज एक ट्रेन में 600-700 पैसेंजर जो हैं वो आ रहे हैं, तो 6 से 7 ट्रेनें आती हैं डेली, तो इस हिसाब से कोई 3500 के करीब बंदा जो है वो डेली आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि फुटफॉल आस्ता आस्ता बढ़ रहा है? जी जी बढ़ रहा है बिल्कुल, यहाँ पे रोज के 4-5 केसेस जो हैं वो आ रहे हैं, डेली यहाँ पे आते हैं। तो आपको पॉजिटिव केसेस भी रिपोर्ट होते होंगे यहाँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, डेली के 5-6 पॉजिटिव केसेस। लोगों को कहाँ रखते हैं, क्या व्यवस्था है? उनके लिए व्यवस्था यहाँ पे की गई है, हमारे जो नोडल अफसर हैं वही बता सकते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको भीड़ से अलग करके एक कमरा है वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता है, उसके बाद आगे के प्रोसेस वही देखते हैं कि क्या किया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन भी है, जो लोग यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए आए हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या वो जानकारी रखते थे या नहीं रखते थे, उनसे भी बात करेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम रमता राजपूत है। मैडम आप बताइए आपको कितनी देर हो गई है यहाँ पे काम करते हुए? ये हमारा 3रा महीना है यहाँ पे असेंबली करते हुए। तो कितना मुश्किल है, क्योंकि कई लोग पॉजिटिव होते हैं कई नेगेटिव होते हैं, बड़ा मुश्किल है? डिफिकल्ट मुश्किल तो है ही है, अब ड्यूटी है तो ड्यूटी तो हमें करनी ही है, अपना फर्ज तो निभाना है। तो जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? उनको हम क्वारंटाइन कर देते हैं, यहाँ पे है तो वहीं पे हम क्वारंटाइन करते हैं उनको। तो क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग घर से निकलते हैं दर्शन करने के लिए वो ऑलरेडी अपने टेस्ट करा के आए? हाँ जी बिल्कुल राइट है, जो भी आते हैं यात्रु बाहर से उन्हें अपने टेस्ट करवा के यहाँ पे आना चाहिए, ताकि बाद में उनको दिक्कत ना पड़े यहाँ पे। तो कई लोगों को फैमिली के साथ आते हैं, एक आधा अगर पॉजिटिव हो जाए तो पूरी फैमिली को आप लोग? अगर मतलब कि फैमिली में अगर एक बंदा पॉजिटिव आएगा तो हम फिर तो सारी फैमिली पॉजिटिव हो जाएगी, फिर तो हमें दिक्कत होगी उनको रखने में यहाँ पे। तो व्यवस्था यहाँ पूरी की गई है और लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कहाँ से आए। मैम कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। तो मैडम आपको पता था यहाँ पे टेस्ट होगा या ऑलरेडी आपको इसके बारे पता था? हमको पता था। तो पहले से टेस्ट क्यों नहीं करा दिया? बस टाइम नहीं था, टाइम नहीं लगा, फिर शॉप ऐसी है और टाइम की जो प्रॉब्लम थी, इसलिए हम कहते वहीं जाके करा लेंगे हम टाइम। तो कोई दिल में कोई डर तो नहीं है? नहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, ये जरूरी है हर एक के लिए। तो आप इस समय देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश है, इतना एक्सपेक्ट किया था माइंड में था आपके? नहीं इतना माइंड में नहीं था कि इतना रश होगा, इतना माइंड में नहीं था, हम सोच रहा था 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट जरूरी है, ये अपनी सेफ के लिए है। सर क्या नाम है आपका? विवेक सक्सेना। सर कहाँ से आए? मैं कानपुर से। तो आप बताइए आपका टूर कैसा रहा और कैसा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ा आपको? यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं और टूर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। तो आप मुझे बताइए जब आप यहाँ पर आए थे तो किस तरीके से आपको यहाँ की पूरे कोविड की प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ा, और माता वैष्णो देवी के दर्शन यहाँ पर जब कैसे हुए, किस तरीके से हुए, और यहाँ पर कैसा इंतज़ाम था? यहाँ से मुझे उतरते ही यहाँ पे रेलवे वालों ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रखी थी और उन्होंने कोविड टेस्ट सबके कराए और कोविड टेस्ट के बाद रिपोर्ट के बाद उन्होंने एग्जिट करने दिया, और होटल में भी प्रॉपर नॉर्म्स करने के बाद ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके की सुविधाओं का। अक्सर लोगों में ये दुविधा रहती है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, किस तरीके से उनको आप मोटिवेट करेंगे? नहीं स्ट्रिक्टनेस होना बहुत ही ज़रूरी, ये सभी के लिए ज़रूरी है कि उनको कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए मैनेजमेंट का। कटरा में आप देख सकते हैं काफ़ी रश है टूरिस्ट का और ये लोग जो हैं दर्शन करने के बाद जा रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। तो कैसे दर्शन हुए आपके यहाँ? दर्शन बहुत सुंदर हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो कोविड का किस तरीके से यहाँ प्रोटोकॉल था? प्रोटोकॉल अच्छा है, वहाँ हम लोग गाजियाबाद से टेस्ट करा के आए थे, यहाँ पे देखते हैं चेक करते हैं फिर जाने देते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? हमारी मालती सिंह। तो आप मुझे बताइए आपको कोई दुविधा यहाँ पर तो नहीं हुआ आपको कुछ ज़्यादा? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, आराम से टेस्ट वगैरह हो गया? हाँ। तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कभी कभी शंका में रहते हैं कि यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होगी, ऐसा तो नहीं था कुछ? सब बढ़िया है, बढ़िया। हम इंजेक्शन भी लगवा कर आए हैं। अच्छा वैक्सीन लगा हुआ? वैक्सीन लग चुका है। सर क्या नाम है आपका? हम प्रवीण सैनी। कहाँ से आए हैं? अम्बालाकांड से। तो कितना आपको यहाँ पर देखा, व्यवस्था किस तरीके से है माता वैष्णो देवी? अभी तो हमने जैसा देखा, हम पहले से ही जो इसकी गाइडलाइन थी फॉलो करके आए थे, नेट पे डली हुई थी, उसी हिसाब से हमने वहाँ से सिविल हॉस्पिटल से इसका कोरोना टेस्ट करवा लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं लगी हमें, पहले से ही हम तैयार थे। तो दर्शन जो है आराम से हो? हाँ खुले दर्शन है, आराम से हुए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। आप जुड़ रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।